आमतौर पर देखा जाता है कि रोजाना मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ दिखाई देती है और पर्वों और त्योहारों पर यही भक्तों की भीड़ व्यापक रूप ले लेती है। अभी हिंदू धर्म के चेत नवरात्रि पर्व चल रहा है, ऐसे समय में कोरोना जैसी विश्वव्यापी बीमारी के चलते मंदिरों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इस नवरात्रि पर्व पर भक्तों और भगवान के बीच कोरोना रूपी राक्षस आ गया है। हम बात कर रहे हैं झाबुआ जिले के मेघनगर के सुप्रसिद्ध गणेश मंदिर की, जहाँ पर भी लॉकडाउन के चलते मंदिर पर सन्नाटा छाया हुआ है। इस सन्नाटे के बीच मंदिर के पुजारी पंडित हरीश शर्मा ने लोगों को घर में रहकर पूजा पाठ करने का निवेदन किया है। झाबुआ से संदीप खत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संदीप खत्री, आप देख रहे हैं एनटीवी टाइम न्यूज चैनल और हम आज आपको यह चीज बताना चाहते हैं कि 21 दिनों के लॉकडाउन का असर मंदिरों पर भी देखा जा रहा है। तो इसी के चलते हम यहां आज मौजूद हैं, यहां मेघनगर के स्थानीय गणेश मंदिर पर। आइए जानते हैं यहां के पुजारी जो कि हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, क्या पंडित जी कैसा क्या माहौल है यहाँ का? जय श्री बस सरकार के निर्देश अनुसार कोरोना संक्रमण के चलते उनके निर्देशन का पालन करते हुए यहाँ पर कोई आ नहीं रहा है। सभी भक्त अपने अपने घरों पर ही भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और इक्का दुक्का कभी कोई बाय चांस आ जाता है तो वो अपनी 1 मीटर की स्टेप बनाते हुए दर्शन करके चला जाता है। जय श्री गणेश। और मेरा सबसे आग्रह है कि आप सरकार के निर्देशों का पालन कर आप तो अपने परिवार को स्वस्थ रखें, जान है तो जहान है। जय श्री गणेश। जैसा कि आपने अभी यहाँ पे पुजारी जी से हमारी बात हुई, चर्चा हुई और यहाँ आप देख सकते हैं कि गणेश मंदिर के चारों ओर देख सकते हैं कि यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, जहाँ लगातार रोजाना भीड़ रहते हुए भी अभी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं दिखाई दे रहा है। और हम भी यही गुजारिश करेंगे लोगों से कि अपने घरों में ही रहें और वहीं पर ही पूजा पाठ कर दिन निकालें। एनटीवी टाइम झाबुआ के लिए संदीप खत्री।